हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सम थ्योरम्स बेस्ड ऑन रिंग्स एंड फील्ड। ओके, तो हमने काफ़ी टर्म्स देख ली हैं, रिंग समझ लिया है, इंटीग्रल डोमेन समझ लिया है, डिवीजन रिंग एंड फील्ड। ओके, और आज से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स बेस्ड ऑन रिंग्स एंड फील्ड। सो द फर्स्ट इज अ कम्यूटेटिव रिंग इज़ एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ़ कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन द रिंग। ओके, यानी कि कोई कम्यूटेटिव रिंग इंटीग्रल डोमेन कब बनाएगी, जब उसके जो एलिमेंट हैं उनके अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड होगा। ओके, तो जो कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है, ये होल्ड होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, राइट। तो अगर हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि वो जो एलिमेंट हैं उनके अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है, तो वो कम्यूटेटिव रिंग जो है इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी। ओके, तो क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है, तो पहले हम पहला स्टेटमेंट लेके चलेंगे, दूसरा प्रूव करेंगे, फिर दूसरा लेके चलेंगे और पहला वाला प्रूव करेंगे। ओके, तो पहली स्टेटमेंट है कि जो ये आर है, मान लीजिए आर, आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है और वो इंटीग्रल डोमेन है। कहने का मतलब ये है कि आर जो है एक इंटीग्रल डोमेन है। ओके, अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो हमें ये शो करना है कि उसके अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है। तो कैंसलेशन लॉ यानी क्या, कि अगर ए डॉट बी ए डॉट सी के बराबर है, ओके, और ए जो है वो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ओके, हमने कैंसलेशन लॉ देखा था और वो मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड होता है। तो ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ए डॉट सी, जहाँ पे एक एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि बी इज़ इक्वल्स टू सी, यानी कि ये ए कैंसिल करके बी इज़ इक्वल टू सी देते हैं। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ओके, तो इंटीग्रल डोमेन है, तो मान लेते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ओके, अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, इसका मतलब क्या कि ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए आर जो है इंटीग्रल डोमेन है, यानी कि अपने आप में ये रिंग है, और रिंग जो है प्लस के साथ क्या बनाता है, एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। कहने का मतलब है ये कि प्लस के साथ एक ग्रुप बनाता है। ओके, तो एसी का जो है एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा, माइनस एसी। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस एसी को दोनों साइड ऐड करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ए बी माइनस एसी आ जाएगा और यहाँ पे एसी माइनस एसी आ जाएगा। ओके, क्योंकि एसी का एडिटिव इन्वर्स माइनस एसी है, तो इन दोनों को जब हम ऑपरेट करेंगे तो उनकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी कि ज़ीरो आ जाएगा। इसीलिए ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉमन निकाल के बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे मैं ए क्यों कॉमन निकाल पाई, क्योंकि देखिए ये रिंग है, ओके, इंटीग्रल डोमेन है यानी कि रिंग है, तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो क्या मैं ए बी प्लस ए सी को ए डॉट बी प्लस सी नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ, वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। सो ए को मैंने कॉमन निकाला, सो बी माइनस सी, ये किस चीज़ की वजह से हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव की वजह से। ओके, तो आप जो भी स्टेप करें, एक बार अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि ये क्यों हो पा रहा है। ओके, सो ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमारे पास एडवांटेज ये है कि इन्होंने दिया गया है कि ये इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है यानी कि कम्यूटेट करता है, और दूसरा विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। ओके, तो यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, एक ए और एक बी माइनस सी, यानी कि अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो इनके एलिमेंट क्या होंगे, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, यानी कि ए इंटू बी माइनस सी अगर ज़ीरो है, ये इम्प्लाई करेगा या तो ए ज़ीरो होगा या तो बी माइनस सी ज़ीरो होगा। लेकिन देखिए ए ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या लिया है कि एक एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। इसका मतलब ये कि b माइनस सी ही ज़ीरो होगा। जब b माइनस सी ज़ीरो होगा तो b इज़ इक्वल्स टू सी, क्योंकि आप फिर से दोनों तरफ c ऐड कर लेंगे। ओके, तो b इज़ इक्वल्स टू सी, तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। ओके, अब उल्टा लेके चलते हैं। अब हमारे पास ये है, ये पहला पार्ट था। अब हमारे पास ये है कि r जो है एक कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, प्लस उसके अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है, कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है। अब मुझे ये शो करना है कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है। शो क्या करना है, ये एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन के लिए मुझे दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, एक क्या, एक ये कि वो कम्यूटेट करता है, कम्यूटेटिव रिंग है,
और दूसरा ये कि विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ओके, तो मैं यहाँ पे जो है पहली वाली डेफिनेशन ले रही हूँ। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? एक कम्यूटेटिव रिंग प्लस विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। कुछ बुक्स में शायद कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्लस यूनिटी एलिमेंट भी होगा। ओके, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला भी होगा, लेकिन वो बहुत रेयरली यूज़ होता है। ओके, तो देखिए R जो है कम्यूटेटिव रिंग तो है ही, तो हमारी पहली कंडीशन प्रूव हो गई। हमें सिर्फ क्या दिखाना है कि ये जो रिंग है ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, और इसको हम दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कैंसलेशन लॉ। ओके, तो देखिए विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र यानी क्या, मैं दो एलिमेंट लेके चलूँगी, ए बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। मुझे ये शो करना है या तो ए ज़ीरो होगा या तो बी ज़ीरो होगा। ओके, अब ये कैसे प्रूव करूँ मैं? ए बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है, ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है। मैं ज़ीरो को कैसे लिख सकती हूँ? ए डॉट ज़ीरो बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर a डॉट b इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है, उसको मैंने लिख दिया a डॉट ज़ीरो, तो क्या यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा? ओके, फिर से एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक a जो है एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ओके, क्योंकि जब a नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा तभी आप a को कैंसिल कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या, b किसके बराबर आएगा? ज़ीरो के बराबर आएगा, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब ए बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो था तो उसमें से बी ज़ीरो आ गया, यानी कि कोई तो भी एक ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये कि ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। ओके, तो हमने पहली जो प्रॉपर्टी है या फिर थ्योरम है वो प्रूव कर ली कि अ कम्यूटेटिव रिंग इज़ एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ़ कैंसलेशन लॉ होल्ड इन दैट रिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। ओके, यानी कि हर फील्ड अपने आप में एक इंटीग्रल डोमेन होता है। तो पहले देखते हैं फील्ड क्या था। फील्ड आर प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, आर डॉट के साथ भी वो अबेलियन ग्रुप बनाता है, प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, जब मैं ये कहती हूँ कि आर जो है डॉट के साथ अबेलियन बनाता है, तो यहीं पर ये पक्का हो जाता है कि फील्ड जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है। ओके, और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है कम्यूटेटिव रिंग प्लस विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ओके, यानी कि मैंने एक चीज़ तो प्रूव कर ली, वो क्या कि ये कम्यूटेटिव है। ओके, इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए मुझे दो चीज़ें प्रूव करनी थी, एक कम्यूटेटिव और दूसरा विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। तो क्योंकि फिर जो है कम्यूटेटिव रिंग तो होती है, इसका मतलब है ये भी कम्यूटेट करेगा। सिर्फ हमें क्या दिखाना है कि ये जो फील्ड है ये भी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि फील्ड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं। तो लेट्स सी कैसे होता है। मान लेती हूँ मैं ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो है। विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र को दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये शो करना पड़ेगा या तो ए ज़ीरो है या तो बी ज़ीरो है, राइट? सो अगर a डॉट b ज़ीरो है तो मेरे पास दो केस आते हैं। एक मैं मान लेती हूँ कि सपोज़ a ज़ीरो है। ओके, जब a ज़ीरो है तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया a ज़ीरो है, इसका मतलब ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। ओके, इसीलिए हम क्या करेंगे, a को जो है नॉन ज़ीरो लेके चलेंगे, a को नॉन ज़ीरो लेके चलेंगे, और हमें ये शो करना होगा कि b जो है वो ज़ीरो आता है। तब जाके a डॉट b इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो में जो कंडीशन आएगी कि b इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ये प्रूव हो जाएगी और इसके एलिमेंट जो हैं वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र आ जाएंगे। ओके, मैंने मान लिया कि a जो है एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो मुझे ये शो करना है कि b इज़ ज़ीरो। सो a डॉट b इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और a का नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने की वजह से a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, क्योंकि ये फील्ड है और फील्ड के और डिवीजन रिंग के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो मैं दोनों साइड ए इन्वर्स से ऑपरेट कर सकती हूँ, राइट? यहाँ पे भी ए इन्वर्स से मैंने ऑपरेट किया। अब देखिए ए इन्वर्स ए क्या देगा हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि वन डॉट बी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स डॉट ज़ीरो। ज़ीरो के साथ आप कोई भी एलिमेंट से ऑपरेट करो तो आपको ज़ीरो ही मिलेगा।
वन के साथ आप कोई भी एलिमेंट को ऑपरेट करो तो आपको वो एलिमेंट वापस मिलेगा, सो बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, प्रूफ बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ए की नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने की वजह से उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि फील्ड का एक प्रॉपर्टी है, और इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट होने की वजह से बी का आंसर ज़ीरो आ रहा है। ओके, तो कहने का जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि फील्ड जो है वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, किस चीज़ की वजह से, क्योंकि उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल ही थ्योरम था। आप इसी तरह से उल्टा लेके भी चल सकते हो, आप बी को जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेके चलो और ये दिखा दो कि ए ज़ीरो है। वो कैसे करेंगे, दोनों साइड जो है बी इन्वर्स से ऑपरेट करके। ओके, सो बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि हर फील्ड जो है अपने आप में एक इंटीग्रल डोमेन है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि अगर फील्ड इंटीग्रल डोमेन है तो डिवीजन रिंग क्या है, डिवीजन रिंग क्या है। ओके, क्या डिवीजन रिंग एक इंटीग्रल डोमेन बना सकता है, तो ये सवाल है। ओके, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखिए, डिवीजन रिंग है तो यानी कि ये भी R के साथ जो है एक ग्रुप बनाता है। कहने का मतलब ये है कि इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप इसी तरह इससे ये शो कर सकते हो कि ये डिवीजन रिंग भी एक विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, राइट। यानी कि डिवीजन रिंग एक ऐसी रिंग है, द रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ओके, लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बना सकता, क्योंकि डिवीजन रिंग जो है वो कम्यूट नहीं करती। फील्ड और डिवीजन रिंग में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है कम्यूटेटिविटी का। ओके, फील्ड के एलिमेंट कम्यूटेट करते हैं लेकिन डिवीजन रिंग के एलिमेंट कम्यूटेट नहीं करते। इसकी वजह से डिवीजन रिंग इज़ द रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ओके, आपकी बुक में शायद एक थियोरम होगा कि डिवीजन रिंग इज़ रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ओके, तो सिमिलर उसका प्रूफ भी ऐसा ही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन है तो क्या हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो सकता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि इज़ एवरी इंटीग्रल डोमेन अ फील्ड। ओके, तो ये सवाल है और यही सवाल हमारा नेक्स्ट थ्योरम है। ओके, तो सवाल ये था कि क्या हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है। देखिए, इंटीग्रल डोमेन होता क्या है, इंटीग्रल डोमेन अपने आप में एक रिंग है प्लस उसके एलिमेंट कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटिव रिंग है। ओके, कम्यूट करते हैं मतलब वो डॉट के साथ कम्यूट करते हैं, प्लस विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ओके, और फील्ड जो है वो रिंग है और इसमें कुछ और एडिशन है, लाइक कम्यूटेट भी करता है, कम्यूटेटिव है, प्लस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और दोनों में वो एक ही चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होती है, तो वो रिंग में आ जाती है। ओके, यानी कि इंटीग्रल डोमेन में एक चीज़ इनकम्प्लीट है, वो क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। हमारे पास गारंटी नहीं है कि इंटीग्रल डोमेन के जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ओके, लेकिन अगर हम इस इंटीग्रल डोमेन पर कुछ कंडीशन लगा दें तो वो फील्ड बन सकता है। ओके, तो यही हमारा अगला थ्योरम है। ये थ्योरम कहता है कि एवरी फाइनाइट नॉन ज़ीरो इंटीग्रल इज़ अ फील्ड। ओके, कोई भी इंटीग्रल नहीं, एक फाइनाइट नॉन ज़ीरो इंटीग्रल फील्ड बनाता है। तो मैंने क्या किया, इस इंटीग्रल डोमेन पे एक कंडीशन लगा दी कि वो क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ओके, अगर कोई इंटीग्रल फाइनाइट है और नॉन ज़ीरो है तो वो फील्ड बना सकता है। फील्ड बना सकता है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीग्रल है ये आर डॉट के साथ एक ग्रुप बना सकता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करा सकता है। ओके, तो हमें यही चीज़ इसमें प्रूव करनी है। देखिए, इंटीग्रल डोमेन कम्यूट करता है। ओके, तो इसका मतलब है कि फील्ड भी कम्यूट करता है, यानी कि जो हम प्रूव करेंगे तो हमें
कम्यूटेटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि सपोज आर कोई इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन जो कि कैसा है, फाइनाइट नॉन ज़ीरो। ओके, अब मुझे ये शो करना है कि ये जो एफ है ये क्या है, फील्ड है। ओके, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन कम्यूट करता है तो कम्यूटेटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ फील्ड करने के लिए मुझे सिर्फ दो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, वो पहली बात कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो मुझे ये दो चीज़ें शो करनी पड़ेंगी कि ये जो फाइनाइट नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन है इसके जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमने ये दो कंडीशन दिखा दी तो ये फील्ड अपने आप में एक, सॉरी, ये जो इंटीग्रल डोमेन है ये अपने आप में एक फील्ड बनाएगा। ओके, तो देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि इस इंटीग्रल डोमेन के पास कुछ फाइनाइट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, उसको मैंने नाम दिया है ए वन, ए टू, अप टू सो ऑन ए एन। ओके, और मैं इन्हीं एलिमेंट में से एक कोई एलिमेंट चूज़ करती हूँ ए, एफ से, और एफ कैसा है, ए कैसा है, एक एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस ए से इन सब को मल्टीप्लाई करूँगी। ओके, सो इट विल बी ए ए वन, ए ए टू, अप टू सो ऑन ए ए एन। अब देखिए, हमने कहा है कि इस इंटीग्रल डोमेन के पास एन एलिमेंट है, राइट, यानी कि फाइनाइट एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एन एलिमेंट हैं ये भी डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि देखिए अगर इनमें से कुछ रिपीट होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एन से कम एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, राइट, यानी कि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो हमें इन सारों को एक बार डिस्टिंक्ट दिखाना पड़ेगा। ओके, तो मान लेते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि इनमें से कुछ एलिमेंट रिपीट होते हैं। ओके, तो मान लेती हूँ मैं कि ए आई किसी ए जे के बराबर इक्वल है। ओके, जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है। ओके, यानी कि दो डिफरेंट आई और जे के लिए ए आई बराबर है ए जे के। ओके, तो इसका मतलब क्या कि ए आई माइनस ए ए जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि जो पिछले वाले थ्योरम में कहा था उसी के हिसाब से कि हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स को ऐड कर देंगे ए ए जे का। ओके, सो ए ए आई माइनस ए ए जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ए कॉमन ले लूँगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। सो दिस इज ए इंटू ए आई माइनस ए जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ए ज़ीरो होगा या तो ए आई माइनस ए जे ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। ओके, ए ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमने एफ से जो है एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया है। ओके, इसका मतलब ये है कि इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज कि ए आई किसके बराबर आ गया, ए जे के बराबर आ गया। और ए आई और ए जे सेम कब हो सकते हैं, जब आई जो है वो जे के बराबर आए। लेकिन आई और जे हमने डिफरेंट लिए हैं, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम आई और जे डिफरेंट लेके चले थे और हमने ये दिखा दिया कि आई जो है जे के बराबर है। इसका मतलब है हमने जो ये कंडीशन लेके चले थे ये गलत है। ओके, इसका मतलब है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। ओके, अब एक नोट करने वाली बात, हमने कहा है कि ए जो है एफ का एलिमेंट है, ए जो है वो एफ का एलिमेंट है। ओके, और एन जो है ये जितने एलिमेंट हैं ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब ये है कि ए भी इन्हीं में से किसी के बराबर ही है। ओके, क्योंकि ए जो है वो एफ का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली इतने एन एलिमेंट में कहीं ए के बराबर कोई ऐसा एलिमेंट आएगा सच दैट ए जो है इन्हीं में से किसी के बराबर होगा। मान लेती हूँ किसी ए आई के बराबर है। ओके, ए इज इक्वल्स टू ए ए आई। ओके, और देखिए इंटीग्रल डोमेन कम्यूट भी करता है, तो क्या मैं इसको ए आई ए के बराबर लिख सकती हूँ? और इसको ध्यान से देखिए कब पॉसिबल होता है, जब ये एलिमेंट क्या हो, आइडेंटिटी हो। ओके, क्योंकि जब आप इस एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हो तभी तो आपको ए मिलता है, राइट, यानी कि ए आई जो है इस एफ की क्या है, आइडेंटिटी। ओके,
तो हमने पहला टर्म प्रूव कर दिया कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. हमें दूसरा क्या शो करना है कि इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं. ओके सो लेट्स सी. यानी कि हमने ए आई को जो है एफ़ की आइडेंटिटी दिखा दी. ओके अब आइडेंटिटी को ज़्यादातर हम वन से डिनोट करते हैं राइट. तो मैं मान लेती हूँ कि ए आई जो है वन है. ओके ये डिनोशन है. तो वन जो है हमने दिखा दिया कि वन जो है एफ में बिलोंग करता है. यानी कि वन बिलोंग्स टू एफ. यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई. ओके अब मुझे दूसरा क्या दिखाना था कि क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं. ओके अगर वन एफ का एलिमेंट है और एफ के अंदर किस टाइप के एलिमेंट हैं ए ए वन ए ए टू अप टू ए ए एन. ओके और वन एफ का है तो वन भी किसी इसी फॉर्म में आएगा. यानी कि वन भी किसी ए ए आर के बराबर आएगा. मैंने आर को ही मान लिया. ओके अगर वन इज इक्वल्स टू ए ए आर है और इंटीग्रल डोमेन है यानी कि कम्यूट करता है. सो दिस इज ए आर ए. ओके और ये किस चीज़ की कंडीशन थी, ऐसा कब होता है?